फाइव से ऊपर में फाइट करेंगे, 40, 30, 40, 35, 40, 45 जो भी होगा हम लोग देख के करेंगे. आज ही लिस्ट निकल रहे हैं. व्हाट विल बी द फाइनल एंड लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर टू द आवर पीपल्स? पूरा जिंदगी डर के रहने से, किसी का गुलामी करने से एक बार इम्पोर्टेंट है, अपने दोफा के लिए फाइट करो. मैं कर रहा हूँ, आप करो, जो भी होगा भगवान देखेगा. और हमारा पावर ऊपर से आता है, कोई दिल्ली से नहीं आता, कलकत्ता से नहीं आता है, हमारा पावर ऊपर से आता है. और ईश्वर के नाम में हम लोग फाइट करेंगे और हम लोग सच्चाई के रास्ते में फाइट करेंगे. जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन एक बार तो फाइट करके पूरा इंडिया को दिखाएंगे. मैंने अपना दिल का आवाज सुना है. मैं अपने त्रिपुरा साहब को और हमारे त्रिपुरा के लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ. हमने कहा था कि जब तक राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा के बारे नहीं देगा, तब तक हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. मीटिंग हुआ, अच्छे तरीके से मीटिंग हुआ, हमारे लीडर्स भी गए, मैं भी गया. अगर हम लोग नहीं जाते तो सब लोग बोलते कि बुलाने से भी नहीं गए. हम लोग गए वहाँ में, हमने बात किया और जो मुझे लगा कि अगर हमने अपने आइडियोलॉजी को, अपने मूवमेंट को डाइल्यूट किया तो ये हमारे त्रिपुरा साहब के संग गद्दारी होगा और मैं कभी भी अपने त्रिपुरा साहब को आंख में आंख मिलाकर देख नहीं सकूंगा. बहुत प्रेशर था, मैंने अपना दिल का बात सुना है. 1977 से कोई भी आंचलिक पार्टी कोई भी इलेक्शन में बिना अलायंस के नेशनल पार्टी के संग नहीं लड़ा है. इससे पहले हर आंचलिक पार्टी ने अलग अलग बड़ा बड़ा बात किया है, इलेक्शन के पहले जाकर लास्ट मोमेंट में कुछ अंडरस्टैंडिंग किया है, कोई साइनिंग किया है, हाई पावर्ड कमेटी हो या ये कमेटी हो, और इलेक्शन के बाद हम त्रिपुरासा लोगों को कुछ नहीं मिला. मैं अपने त्रिपुरासा को धोखा नहीं दे सकता हूँ. मेरा एक कमिटमेंट है मेरे लोगों के लिए, पूरा जिंदगी मैं जिंदा नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन जब मैं जाऊँगा ऊपर वाले के पास तो एटलीस्ट एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने लोगों के लिए एक वन लास्ट फाइट तो किया था. व्हाट अबाउट कांग्रेस एंड सीपीआई पार्टी? आई एम फाइटिंग द इलेक्शन ऑन माई ओन एंड आई विल फाइट फॉर माई पीपल. दे मे हैव बिग बिग लीडर्स, उनके पास बड़ा बड़ा लीडर होगा, हमारे पास गॉड है, भगवान है. वी विल फाइट इन द नेम ऑफ गॉड. जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन एक बात है, अगर भगवान हमको मदद नहीं करता है, अगर गॉड भी हमको मदद नहीं करता, तो उनको भी हमारा त्रिपुरासा लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई का रास्ता में फाइट कर रहे हैं. हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं. तो अब देखेंगे, लेकिन अब मैं जाकर अपना कैंडिडेट का लिस्ट निकालूंगा और मैं अपने सब त्रिपुरासा वॉरियर्स को और अपने त्रिपुरा मोथा और अपने त्रिपुरा के लोगों को, जो भी हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं. आप लोगों को हंसा चाहिए या आप लोगों को कुछ लीडर को देखना है? अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं ये फाइट कर रहा हूं, आपके लिए फाइट कर रहा हूं. और अगर आपका पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मोथा को हराने की कोशिश करोगे तो इलेक्शन के बाद आप देख लेना हम लोगों का क्या होगा. ये फाइट एक आदमी का नहीं है, ये फाइट हमारा पूरा दोफा का है और ये फाइट मैं दोफा के लिए फाइट कर रहा हूँ. अगर आपने दोफा को नहीं देखकर अपने बारे सोचा तो आप लोग स्वार्थी हैं और आपने झूठ बोला है भाषण में, क्योंकि आपका दिल सफा नहीं है. मैं खुले दिल से फाइट करने वाला हूँ. लेकिन अगर मुख से बोला और राइटिंग में नहीं दिया तो मैं अपने लोगों को क्या बोलूंगा? मैं अपने त्रिपुरासा लोगों को क्या बोलूंगा कि हमने 2 साल तक आंदोलन किया, उसके बाद दिल्ली में गए, कुछ कुछ भी बोल दिया, हमने मान लिया, बाद में हमको त्रिपुरा में रहना है, ये दिल्ली के लीडर्स लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे. लेकिन अगर हमको राइटिंग में नहीं दिया गया तो हम क्या बोलेंगे अपने लोगों को? मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं. मैंने अपना दिल का बात सुना है. बहुत लोगों ने बोला कि दिल से मत सोचो बुबागरा, लेकिन मैं अपना दिल के आवाज में जा रहा हूं और मैं अपने त्रिपुरासा को धोखा नहीं दे सकता हूं. इस बार तो मैं फाइट करूंगा. कितने सीटों